उमर, क्या ये जरूरी है कि अजान की मैनेजर एक लड़की ही हो? उसे देख के ना मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ गया। स्कूल में मेरी इसी तरह की एक मिस हुआ करती थी, उनका नाम था मिस परवीन। वो भी इतनी यंग थी और इसी तरह का ड्रेसअप किया करती, तो हम उनको दूर से आवाजें लगाया करते थे कि आंटी परवीन, आंटी परवीन। उमर साहब, आप कुछ कह रहे थे? मरियम, मैं जो भी कर रहा हूं मैं आजान की भलाई की खातिर कर रहा हूं, और आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आफरीन बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में बड़ी सादा जिंदगी गुजार रही है, अपने उसूलों की बड़ी पक्की है, और आजान को भी कोई ऐसा फजूल काम नहीं करने देगी जिसकी इजाज़त उसको पिछले मैनेजर्स देते रहे। और आजान की आदतों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, हर वक्त नशे में धुत रहता है और आए दिन उसके अखबारात में डिफरेंट स्कैंडल्स छपते रहते हैं। आई एम श्योर जब आफरीन जैसी लड़की उसके साथ अटैच हो जाएगी तो मजीद कारनामे नहीं होंगे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है उमर सर ने सोच समझ के आफरीन को अजान का मैनेजर रखा होगा, एंड वी शुड ट्रस्ट हिज चॉइस। वो तो जा चुकी है उमर सर। तुम्हारी वापसी को मैं तुम्हारी रजामंदी समझूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। You made the right decision. और हाँ, अजान से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तंग करे या परेशान करे तो सीधी मेरे पास आना, या फिर मरियम के पास। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैंडल की हैं, मैं संभाल लूंगी। इमरान, थैंक यू सर। डोंट कॉल मी सर, क्योंकि मुझ में सर वाली कोई बात नहीं है।